अब मुझे तीनों चीज मिलकर आप तो लग गई, बट इसको कंटिन्यू करने के लिए चेन रिएक्शन, चेन करता क्या है, ये मेरा ब्रासलेट है, चेन है, तभी तक दूसरे में गुथा हुआ है और संभला हुआ है। तो फायर भी तभी तक रहेगा जब तक चेन बना रहेगा, अगर चेन नहीं तो फायर बुझ जाएगा। तीन चीजों को मिलकर अगर आग लगा, उस तीन चीजों में ये आग लगने के कारण हो सकता है रीजन है, बट एक चौथा चीज है जिसको कंटिन्यू करता है, अगर वो नहीं तो फिर यह फायर बुझ जाएगा अपने आप। उसी को हम चेन रिएक्शन कह रहे हैं, केमिकल का चेन रिएक्शन। तो जब आग लगती है तो इससे क्या निकलता, मुझे क्या मिलेगा आग से, क्या क्या मिलेगा आग में, CO2 होगा और क्या होगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन, और क्या होगा, सल्फर, ठीक है, और ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में पहले से ही है, O2 ऑक्सीजन वातावरण में ऑलरेडी है पहले से है। तो जब एक आग लगती है तीन चीजों को मिलकर, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ओके। अब जब आग लग गई और उसको मैं कहता हूँ चेन रिएक्शन केमिकल होगा, तो इसमें से जब आग लगती है तो मुझे मिलता है CO2 भी होता है, सल्फर भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। अब उसके बाद क्या होता है, केमिकल चेन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो समझना कि कौन कौन सा केमिकल मिला इसमें। तो ये जो तुम्हारा है सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों काफी रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा। इसके जो मॉलिक्यूल है वो फिर से क्या करते हैं, फिर से रिएक्शन करते हैं किसके बीच मिलकर, ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन से ये मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, और जब टेम्परेचर रेज होता है तो फिर आग लगती है और फिर से वही निकलता है सल्फर, हाइड्रोजन, और फिर से वही काम करते हैं तब तक जब तक कि तीनों में से कोई एक चीज हट ना जाए, हीट हट जाए, फ्यूल खत्म हो जाए या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसको हम सफोकेशन कहते हैं, ब्लैंकेटिंग कहते हैं। अगर ये खत्म हो गया, इसको हटाना है तो क्या कहेंगे, ब्लैंकेटिंग या फिर सफोकेशन। और अगर फ्यूल खत्म हो गया, इसको अगर बुझाना है तो क्या कहते हैं, स्टार्वेशन। और अगर हीट को खत्म कर रहे हैं तो कूलिंग, वेरी गुड। समझ में आया कौन सा केमिकल मिला मुझे, ये काफी एक्टिव मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी वातावरण अनुसार मिलकर ये हीट क्या करते हैं, रेस करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो भी सामान में आग लगा चाहे वो लकड़ी हो, गत्ता हो, पेपर हो, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, कूल रहेगा तो आग लगेगा नहीं लगेगा, टेम्परेचर रेस करता है, उसके बाद ये फिर फायर होता है, ये कंटिन्यू चलता है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, चौथा भाग, जो आजकल रिसर्च साइंस में ये प्रूफ हुआ है। पहले ये ट्रायंगल होता था, अभी भी ट्रायंगल है, ये गलत नहीं है, बट चौथा भी ऐड हो चुका है, क्लियर है। और जब ये तीन चीज मिलकर फायर हो सकता है, इन चीजों में से कोई एक निकाल दोगे तो फायर हो जाएगा। उस निकालने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं फ्यूल हट गया, स्टार्वेशन। अगर O2 खत्म किया तो सफोकेशन या ब्लैंकेटिंग, और अगर मैंने हीट खत्म किया, इग्निशन खत्म किया, दैट इज कूलिंग, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब